माहिरीन के मुताबिक सेहत का जज्बात से गहरा ताल्लुक होता है और जज्बात इंसानी सेहत को मुतासिर करते हैं। ये हकीकत है कि ना खुशगवार बातें और ना मवाफिक हालात इंसान में गुस्से, खौफ और फिक्र को जन्म देते हैं, लेकिन अगर ये कैफियत ज्यादा अरसा तक बरकरार रहे तो कई बीमारियां हमला आवर हो सकती हैं। इन हालत में सर दर्द, पेट में तकलीफ, भूख का खत्म हो जाना और नींद ना आना बहुत आम है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ज़हनी दबाव से छुटकारे के लिए मुस्कुराना या हंसना जिस्म और रूह दोनों के लिए नहायत मुफीद होता है। ज़हनी दबाव के शिकार अफराद को चाहिए कि बाकायदगी से वर्जिश करें, चहलकदमी, तैराकी, साइकिल सवारी और दीगर जिस्मानी सरगर्मियाँ भी बहुत से ज़हनी अमराज का बेहतरीन इलाज साबित होती हैं। आज का मौजू जो है वो जो 10 मुहर्रम आशूर है, कुछ राउल रेफरेंसी इंसिडेंट्स हुआ उसको बताने के सामने हुआ। एक दहशतगर्द टोला है जो अपना काम कर रहा है, उनको फॉरेन फंडिंग है। इस वक्त के माहौल में जो कुछ हो रहा है ये दहशतगर्दों का एक ग्रुप है जो काम कर रहा है,
और दोनों तरफ कर रहे हैं, इश्तेहाल अंगेजी पैदा कर रहे हैं, आशूरा एक हसास देने। मेरा सवाल है आशूरा हसास क्यों है? जो काम होते हैं वो सियासी अनासिर हैं, जो अपने मफादात के लिए सारा सियासी खेल खेलते हैं। हर हादसे का यहाँ से शुरू किया जाए, 47 तक हर हादसे के जिम्मेदारों का तायुन किया जाए, उनको सजा दी जाए। जलूस को अहले कशी के जलूस खत्म नहीं होंगे, मिलादुन नबी के जलूस खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये कहना कि ये एक रिएक्शन है, ये बहुत बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। जलूस शियों के निकलते रहेंगे, मिलादुन नबी के जलूस भी होते रहेंगे। मजहबी लोगों के पीछे पॉलिटिकल लोग खड़े हैं। आप उससे बात कर रहे हैं, उससे की बात कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelivetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया है, रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहते हैं? पेशेंस डेवलप करें, अपने अंदर भी अपनी कॉम के अंदर भी बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है। अच्छा। हजामा भी फील्ड है और एक प्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। इस तरह के और जो छोटे मोटे साइकोलॉजिकल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं
अपने के जो सिबलिंग्स आपस में जो उनमें मोहब्बत प्यार रवादारी कुछ नहीं होता, आपस में सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है, अगर एक माँ के दो तीन या चार भी बच्चे हैं तो वो किस तरीके से उनको डील करे? माँ को चाहिए कि तमाम बच्चों के साथ एक जैसा रवैया रखे, ऐसा नहीं एक को ज्यादा तवज्जो देती एक को कम तवज्जो। तो अगर कोई बच्चा बदतमीजी कर रहा है और कोई बच्चा कहना मान रहा है तो माँ इक्वल बिहेवियर तो नहीं कर सकती, जो कहना मान रहा है डेफिनेटली वो उसको थोड़ा सा स्पेस देगी, उसकी बात मानेगी, और जो बच्चा बदतमीजी कर रहा है वो उसको डांटेगी। वो बदतमीजी या वो इस किस्म का बिहेवियर करने की वजह पहले थी ना कि पहले माँ ने उसको तवज्जो नहीं दी थी, तो अगर जैसे चीजें मंगाई जाती हैं तो सबको इक्वल दिया जाए दोनों से प्यार से मोहब्बत से, एक से तो आप अच्छी तरह से बात करेंगे, एक से अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे, एक को थप्पड़ लगा दिया एक को प्यार कर दिया, इस तरह की बात नहीं। शुरू से ही उसको जब मतलब पैदाइश के बाद से जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसमें तवज्जो चाहिए बच्चे को। कि जब एक बच्चा होता है उसको बड़े लाडो प्यार से दादा भी प्यार कर रहा है, दादी भी प्यार कर रही, नानी पुप्पी सब प्यार कर रहे हैं, फिर अचानक क्या होता है तो बच्चा साल दो साल का होता है तो उसका कोई छोटा भाई है कोई छोटी बहन है तो वो तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है, उसकी तवज्जो डाइवर्ट होती है, बट ये उसको भी दी जाती है, लेकिन बच्चों में एक्सेप्टेंस है ही नहीं। कि मैंने खुद फैमिली में देखा है, मेरे अपने भाई का बेटा है तो वो बच्ची छोटी है, वो पास आ रही है उसको प्यार करती रही है और घर वाले कहते हैं उसको हटाओ, मैंने कहा नहीं वो प्यार करते हैं, और प्यार करते करते उसने अचानक से उसको इतनी जबरदस्त तरीके से बाइट किया और भाग गया। तो वो वही वाली वजह है कि वो जो बाइट है ना वो तवज्जो चाहने वाली बात है कि उसको पता है कि अब ये नया बच्चा जो नया फल आ गया ये सारी तवज्जो उसके ऊपर मिल रही है और मुझे छोड़ा जा रहा है, होता ही यही है। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो मतलब वो तवज्जो तो नहीं मिल सकती ना जो पहले आप लेकिन उसको भी उतनी ही तवज्जो जैसे पहले दी जाती थी उतनी ही रखें, साथ में इसमें भी नए वाले बच्चे में जो तवज्जो देनी है वो देनी है आपने, तो फिर इक्वलाइज होगा ना, ताकि अगर उसको प्यार करें तो इसको भी प्यार करें, ठीक है, उसको अगर वो प्यारे उसको साथ में ले करके उसको शेयर, ये नहीं कि इस बच्चे को बिल्कुल छोड़ दिया जाए और इस आने वाले बच्चे के ज़्यादा ऊपर, इसी तरह से सिबलिंग राइवलरी डेवलप होती है ना, बच्चा देख रहा होता है कि उसे तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, खाने का भी ख्याल कर रहे हैं, उसका भी कर रहे हैं, मुझे मेरा ख्याल नहीं हो रहा, तो फिर इस तरह से डेवलपमेंट होती है। छोटे टीवी ड्रामे हर चीज देख रहे होते हैं, हर चीज की नॉलेज उनको होती है, लेकिन उसके बावजूद में ये होता है अगर वेलफेयर मैंने देखा है कि उस घर में माँ ने बोल दिया नमाज पढ़ो तो ये उसको तो बोला नहीं आपने, भाई आप पढ़ लीजिए नमाज, तो नहीं उसको मतलब हर चीज में ना उनका ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से ना अपने बहन भाई को इन्वॉल्व करो, पर्सनल कोई कमेंट आपके ऊपर नहीं देते कि अच्छा जी हम ये करें। माँ को ये कहना है कि आपने सब बच्चों को कहना है कि सब लोग नमाज पढ़ो, अब कुछ नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कहा तो तीनों का है ना, लेकिन अगर आपने एक को छोड़ दिया और दो को कह दिया और नहीं किया तो उसको थप्पड़ भी मार दिया तो वो अच्छी चीज है, उसको समझाना है, पनिशमेंट नहीं देनी, उसको उसको जो है मतलब उसको तारीफ करनी है, उसकी हिम्मत अफजाई करनी है, इनकरेज करना है ताकि वो उस तरफ आए, उसके लिए कुछ प्रिविलेजेस देनी पड़ेगी आपको कि नमाज पढ़ने की अच्छी हैबिट बनाने के लिए उसको प्रिविलेजेस देनी पड़ेगी, नेगेटिव टैक्टिक्स नहीं करना है, अगर आपने उसको डांट दिया तो आपको नहीं लगता क्या इससे वो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा जो बच्चे अच्छे हों, वो ये देखेंगे कि ये बच्चा तो कहना नहीं मान रहा फिर भी ये फायदे में उसको माँ फलानी चीज भी दे रही है और इसके साथ बहुत ज्यादा वो भी कर रही है, फिर हम फिर वो भी जिद में आ जाते हैं, समझ में आता है, वो भी कहते हैं ये तो करनी था और हम कर रहे हैं तो हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। असल में देखिए सर सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, ब्रेन के डिसऑर्डर होते हैं, इसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन हमें सब चीज़ों को कवर करना है। अच्छा जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं मतलब बचपन से उनको आदत होती है बड़े होके बड़ी कोशिश की जाती है कि जी उनका अंगूठा छुआ दिया जाए, और मैंने देखे कई लोग जो काफी बड़े हो चुके होते हैं तो सोते के टाइम उनकी हैबिट होती है कि वो अंगूठा वो जो बचपन की आदत होती है वो देखो
सकिंग रिफ्लेक्सेस हैं वो शुरू में जो सबसे पहले सेंट्रल पिल्स डेवलप होते हैं तो उसको जितने ऐसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, इस वजह से वो बच्चे शिफ्ट होते हैं वहाँ पर। तो इस चीज़ को हमें रखना है कि वो चीज़ें जो है जो पीरियड है उनका फीडिंग का और उसका वो पूरा देना चाहिए, अगर हम वो नहीं देंगे तो ऐसे बच्चे न्यूरोटिक ट्रेट्स हैं ये जो सेटिंग जो दो अंगूठा चूसते हैं और वो करते हैं, तो उन बच्चों के लिए तवज्जो ज़्यादा उसमें देनी है कि किस तरीके से माएँ जो है वो ये उनकी बैड हैबिट छुड़वा सकती हैं। लव अफेक्शन तवज्जो से मतलब उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, बच्चों जो बच्चे छोड़ दिए जाते हैं, हर बच्चा रो रहा है आप उसे छोड़ देंगे तो वो गुस्सा करेगा, लेकिन अगर रो रहा तो आप उसको तवज्जो दे रही हैं। देखा कई दफ़ा माएँ कोई कोई ऐसी दवाई लगा देती है उनके उनके कि वो मुँह में डाले तो वो उनको टेस्ट खराब आए तो निकाल दें, इस तरह की भी इस तरह की भी करते हैं बाद में वो जस्ट, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं किया ना, पनिशमेंट करने से बच्चा जिद में और ज़्यादा करेगा उसकी जगह, और दूसरी उसको अदर एक्टिविटी की तरफ इन्वॉल्व करना है वो ज़्यादा अच्छा है, जैसे खिलौनों में है बच्चे खिलौनों की तरफ ज़्यादा होती वो छूट दे दिया जाए और उसके लिए कुछ और इंसेंटिव दे दिया जाए बजाय इसके कि उसको हम निगेटिव वो करके उसको डांट के टपट करके अगर ये चीज़ें करेंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं घर में तो बड़े शेर होते हैं, घर में सब तंग भी करेंगे, मस्तियाँ भी करेंगे, शरारतें भी करेंगे, लेकिन बाकी बच्चे जब बाहर जाते हैं तो बाहर उनमें एहतमाद की थोड़ी कमी दिखती है कि अगर माँ बोलेगी जाओ जाके खेलो या जाओ बच्चों के साथ वो करो तो नहीं नहीं वो माँ के साथ ही चिपके रहना और जो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स उनके होते हैं उस वक्त वो होते हैं जाहिर होते हैं घर में वो, लेकिन सेट होते हैं जब घर से बाहर की दुनिया को फेस करते हैं तो उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसकी ये तो ट्रेनिंग होती है ना, सारी चीज़ बच्चे जो लर्न करते हैं, मैंने कहा ना कि आप बिगिनिंग शुरू से ही हो रही है, तो जितना आप बच्चे को सिक्योर रिलेशन देंगे, बॉन्डिंग आपकी देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, बच्चे को प्रेस करेंगे, बच्चे को एक्सपोजर मतलब बच्चों को लोगों के सामने जा करके इनक्रेज करेंगे, उसे डांटी कहेंगे कि तुमने क्यों कह दिया कि हमें फील होता है अगर हमें किसी के सामने तीन चार लोगों के सामने हमारी इंसल्ट कर दी जाए तो हमें बड़ा फील होता है कि यार तीन चार लोगों के सामने हमारी इंसल्ट कर दी, तो पहले इसलिए नहीं समझते कि बच्चे के लिए रिस्पेक्ट है, आप उसको तीन चार लोगों के सामने बांट रहे हैं तो वो अपनी पर्सनैलिटी को उसकी फिर उसकी मार्क्स होगी ना, तो ये वो चीज़ें हैं जो घर से ही डेवलप हो रही है ना, अगर यहाँ बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, पेरेंट फादर का और चाइल्ड का मदर का चाइल्ड का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिक्योर्ड होगा तो बच्चा कॉन्फिडेंट होगा आगे जाकर के लोग फेस करेगा, लेकिन अगर घर में ही उसको वो चीज़ें नहीं मिली हों तो फिर वो बच्चा कहाँ जा करके बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम होता है ना वो असल में वो प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करता है पेरेंट्स का कि मदर ने उसकी में ये प्रॉब्लम थी, उसने तवज्जो नहीं दी इसलिए बच्चा इतना नहीं आगे जाके के वो हुआ, इसी तरह से फादर ने उसको छोड़ दिया या हार्ड से उसका रवैया था उसके साथ में, ऐसे बच्चे बाहर जाकर के कॉन्फिडेंट नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सर ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जो है घर में तो जैसे ही होते हैं, ठीक है माँ की बात भी सुन रहे हैं सब कुछ, बाहर जाते हैं स्कूल में बड़ी शरारतें करती हैं, खूब मस्तियाँ करती हैं, रोज स्कूल से कमरे में आ जाती है, माँ खुद तंग आ जाती है, कहीं भाई मैं क्या करूँ, रोज टीचर के बुलावे आ जाते हैं, आज उसकी पेंसिल ले ली, आज उसकी कॉपी फाड़ दी, आज काम कम्प्लीट नहीं किया, तो अगर इस तरह के बच्चे आपके पास लाए जाते हैं आप उनको उनके इश्यूज कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह उनके साथ सेशन होते हैं आपके और फिर कितना टाइम लगता है इस तरह के बच्चों को सही होने में? मतलब इसमें जो है ना कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना उसके लिए हमें जरूरी होता है कि इंटरव्यू हम करते हैं बच्चे को मदर के साथ में और अलग में, और फिर उसके जो स्कूल में टीचर से भी इंफॉर्मेशन ली जाती है कि स्कूल में टीचर्स का उनका रिलेशन, ये सारे रिलेशनशिप जो है ना ये इम्पोर्टेंट होते हैं आगे जा कर के, तो हमें एक तो डायग्नोसिस क्या है, इस तरह के बच्चे की माँ को आप क्या मशवरा देते हैं? उसमें फिर ये होता है ना कि पेरेंट ट्रेनिंग होता है कि बच्चे माँ को बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करना है, तो आप बताएं कि जिन बच्चों के साथ इस
उसमें यही है कि बच्चे से हमेशा प्यार से मोहब्बत से बात करना है, उसको इंकरेज करना है, सिक्योर रिलेशनशिप देनी है ताकि बच्चे कॉन्फिडेंस। फिर गुस्सा करने वाली बात है कि बच्चा अगर किसी बात पे वो हो रहा तो आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना, इसकी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये पेरेंट ट्रेनिंग किया जाती है इस तरह से। एंगर मैनेजमेंट का है, एंगर मैनेजमेंट क्या, बच्चे के अंदर गुस्सा कर रहा है तो माँ जो अपनी जो चीज़ें कहती है गुस्सा बच्चे पे उतार रही होती है, तो बच्चे पे वो चीज़ें होती, तो माँ को ये कहना है कि भैया आपने अगर शोर कर रहा होता है तो माँ तवज्जो देती है उसको, और वैसे का होता तो तवज्जो नहीं देती है। तो उसमें ये है कि अगर वो शोर कर रहा तो माँ तवज्जो नहीं देना, उसको पता है कि मैं गुस्सा करूँगा तो माँ मुझे आगे की तवज्जो देगी, अटेंशन देगी, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कहता हूँ तो फिर वो उसका उसकी हैबिट वही बन गई है, तो ये बच्चा गुस्सा करेगा और हमेशा तंग करेगा। तो माँ को ये जब करना है कि उसको जो है इक्वल वो जो भी अत्यधिक करता है माँ जब करती है, जब नहीं करना है, मतलब ये कि हर वक्त उसकी तवज्जो इस तरह से रहनी है कि उसकी नीड्स का ख्याल रखा जाए कि क्या क्या अब रोज ही अच्छी चीजें खिलाई जाए, नॉर्मल चीजों पे रखा जाए ना, हैबिट बनाई जाए, उसके डाइट की हैबिट होनी चाहिए, किस वक्त क्या चीज बननी चाहिए वो होनी चाहिए। जैसे होता है ना बच्चे की हैबिट क्यों बन जाती है, अब जरा सी चीज होती है टॉफी खिला देते हैं उनको या वो चिप्स खा रहे होते हैं, तो ये कम कर जंक फूड के इसके बजाय वो घर में अच्छी चीजें बना करके उसको दे दे तो सवाल भेजा है इन्होंने, ये लिखा हुआ है इन्होंने, ये नसीन है, इन्होंने कराची से सवाल पूछा है कि उनका जो बच्चा है वो घर से उसे घर का लंच बना के देती है, लेकिन वो लंच अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और जंक फूड उनसे लेके खा लेता है, हालांकि इन्होंने लिखा है कि उसकी पसंद का जो है वो जो भी लंच बना के देती है उसकी पसंद का बना के देती है, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह का, और ये बड़ा भाई इनको आगे बताता है जो बच्चे का बच्चे ने एक टेस्ट डेवलप कर लिया है ना जैन को, तो घर में उसी टेस्ट की चीजें बनाए ताकि उसको वो चीज है कि मैं बच्चों को उसकी पसंद का मतलब लंच बना के देती हूँ, बट वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है और बच्चों से मतलब जंक फूड लेके स्नैच करता है, बताया क्या करते हैं वो लेके, टीचर का रोल आता है ना कि टीचर को इस चीज का ख्याल रखना है कि बच्चे जो लेके आते हैं वही लें। अब इसमें टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट मदर रिलेशन चाइल्ड रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, हर चीज का हर स्टेज पे है ना चीजें, तो अब जो क्योंकि बच्चे की लर्निंग तो आप ऐसे बच्चों की लिए पेरेंट्स को क्या ट्रेनिंग देते हैं, कुछ ऐसी कोई ऐसी चीज बता दें जो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो माएं देख रही हैं, उनके काम आ सके। वो एक तो आपने बताया कि आपको बच्चे के साथ बॉन्डिंग करनी है, अच्छा रिलेशनशिप रखना है, शुरू से इग्नोर करना है, जब करना है उससे कम पाने नहीं हो पाता, लेकिन और इसके अलावा और क्या ऐसी चीज हो, कोई ऐसी मतलब ट्रिक कह लें उसको या टिप कह लें, क्या माएं ऐसा करें जो बच्चे उनकी बात सुने। असल चीज होती है कि अपब्रिंगिंग जो है ना फ्रॉम बर्थ टू ऑनवर्ड एक एक स्टेज जो है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी नेगलेक्ट होगा ना उसको कंपनसेट करना है आपने, उस अगर नहीं कंपनसेट करेंगे तो आगे जा करके प्रॉब्लम करेंगे। अब ये एक प्रॉब्लम शुरू हो गया, प्रॉब्लम पैदा ना होने दिया है, बच्चा इग्नोर अगर होगा तो वो घर से भागेगा, बट अब जिनकी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई है ना उन्हें क्या कहने वाली है बच्चे, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे से सारे कि जो है ना आप सोल्यूशन बताएंगे। आप फिर ऐसे ऐसे में जो है कि वो काउंसलिंग करते हैं हम लोग, उसमें ना पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, फिर उसके अंदर
जो उनकी ट्रीटमेंट मतलब उनको एक्सरसाइज देते हैं हम उन्हें, और टीचर की काउंसलिंग करते हैं कि बच्चों को किस किस्म की चीज़ें, क्योंकि एक सिर्फ एक चीज़ नहीं है ना, प्ले भी है, एजुकेशन भी है, हाँ जिस तरह से किया जाए कि उसे प्ले की चीज़ें इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए और उसे जो है अल्टरनेटिव दिया जाए, ठीक है ना। ड्रग का लेकर तो बहुत आते थे हम लेते हैं, फॉरन नहीं होता, लेकिन उसमें शुरू में यही है कि अब जैसे बच्चे हैं कि एक बच्चा हुआ, बाज बच्चे हैं जो मेंटली सब नॉर्मल होते हैं, तो हम उस सब नॉर्मल बच्चों को एक लेवल पे लेकर के आने के लिए उनकी एजुकेशन और उसके ऊपर तवज्जो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रेमिडियल टीचिंग कहते हैं उसमें, उसमें वो देना होता है, इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ती है। अगर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देंगे तो फिर बच्चे जो है वो उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक तो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें तो बच्चे क्लास में सीख रहे होते हैं, लेकिन जहाँ ये प्रॉब्लम आता है वहाँ इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ती है। यानी कि बच्चे अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ घर ही नहीं, स्कूल भी, उसकी क्लासमेट्स भी, माँ बाप का बिहेवियर, हर चीज काम करती है। तो यही अगर किसी बच्चे को सही करना है प्रॉपर, तो फिर ये सारी चीजों को साथ लेके चलना कि वो पेरेंट मदर को बताना पड़ेगा कि हाउ टू बिहेव, ठीक है। आपके अपने होता ही ना कि गुस्से में आपके अपने थप्पड़ लगाते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, वो उसके लिए प्रॉब्लम करेगी। और तो फिर उसी के बताना है कि इसको किस तरह से कंट्रोल करना, बच्चे को भी हमें ट्रेन करना होता है कि गुस्सा किस तरह से कंट्रोल करना। आप अपनी डिमांड जो है जो आपकी मदर मान नहीं रही, किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है कि वो बात मान लें, ठीक है ना। आपने क्या डिमांड करना है ये भी बताना है उसको कि आप बहुत ऐसी चीज़ नहीं डिमांड करेंगे जो पूरी नहीं हो सकती, जिसके अंदर प्रॉब्लम होगा, तो आप ऐसी चीज़ डिमांड करेंगे जो अभी ये चीज़ मिल जाएगी, फिर आगे चल करके आप अचीव करेंगे, फिर आगे चीज़ मिलेंगी। तो स्टेप वाइज चलना है, मतलब हर चीज़ एक वक्त पर नहीं पॉसिबल होती, यानी कि कुछ बातें माँ को समझानी है, कुछ बातें जो है वो बच्चे को भी समझानी है, आपको इस तरीके से करना है। बिल्कुल, टीचर्स को बताना है कि बच्चे ऐसे बच्चों से किस तरह से डील करना है। और दूसरी है कि अटेंशन जो है ना वो मतलब इंकरेजमेंट होना चाहिए हर चीज़ में ना, अच्छे काम करता है, अच्छे बिहेवियर करता है, अच्छी हैबिट होती है, उसको इंकरेज करना है, और जो बैड बिहेवियर है उसको हमें डिस्करेज करना है। डिस्करेज करने के तरीका पनिशमेंट नहीं है, फर्स्ट पनिशमेंट वो बच्चे हकलाना शुरू कर देते हैं, नाखून कटना शुरू कर देते हैं, इस तरह की हैबिट्स में मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसे उसको डांटना नहीं है, उसको जो असल है वो कई दफ़ा समझाना है आपने कि ये वाली बात बार बार बतानी, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद उसका अल्टरनेटिव बताना है कि तुम्हें क्या करोगे तो फिर तुम्हें फ़ायदा होगा, तो इस तरह से उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करना। एक चीज़ पर बच्चा फिक्स हो रहा है, जैसे बोलता है कि मोबाइल चाहिए, अब अटेंशन को डाइवर्ट करना, तो अगर कोई बच्चा इस तरह का ज्यादती का शिकार है तो उसको तो पहले डरा दिया जाता है कि आप अपने घर में पेरेंट्स से इस चीज का जिक्र नहीं करोगे, ये डरा दिया, इसको मेडिकल कवर से कर दिया जाता है। पर बाद जगह ऐसा होता है कि बच्चा अगर माँ को आके खुद बताता है तो माँ भी उसको डांट देती है कि नहीं ये तुम्हारे अंकल हैं या व्हाटएवर जो भी है, मामू है, चाचा है, जो भी है। तो माओं को बच्चों को अवेयर करने के लिए क्या ऐसा समझाना चाहिए कि बच्चे इस तरह की ज्यादती का शिकार भी ना हो, ना शिकार बने भी नहीं, और पेरेंट्स और उनके दरमियान ये जो एतमाद का रिश्ता है ये कायम रहे। वो उसका ये है कि शुरू से हमें बच्चे को ट्रेन करना है हाउ टू बिहेव, हाउ टू डेवलप रिलेशनशिप विद अदर्स। अगर कोई किस करता है बच्चे को तो मना करना है कि भाई आपने इसको अवॉइड करना है, ठीक है ना, कि कौन किसके साथ गुड टच और बैड टच का आपको ट्रेनिंग देंगे उसको। तो ये शुरू से ट्रेनिंग होगी तो बच्चा जो है उस चीज़ में नहीं है। अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम के साथ आता है तो उसको सिंपैथेटिकली सुनना है, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर जिसने प्रॉब्लम किया है उससे बात करनी है, ठीक है ना, कि आपने आइंदा इस तरह से इसको बच्चे को गाइड करना है कि आप उधर नहीं जाना है, तो ये तरीका है उसको उससे अवॉइड करने के लिए, बजाय इसके कि हम उसे डांटने से तो बच्चा और डिप्रेशन में चला जाएगा और उसके दूसरे बिहेवियर डेवलप हो जाएंगे। तो हमें डांटना नहीं है उसमें, हमें उसको वे आउट बताना है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और अगर कोई बच्चा इस किस्म की खुदा ना खास्ता जाति का शिकार होता है
उसको वापस जिंदगी में इस तरह लाने के लिए, उसको भुलाने के लिए काउंसलिंग होती है, साइकोथेरेपी होती है, और उसके अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, उसके इन्वॉल्वमेंट के वो है, इनकरेजमेंट है, एजुकेशन की तरफ उसकी ज़्यादा वो देनी होती है, फिर ड्रग्स की जरूरत पड़ती है ऐसे बच्चे। तो डॉक्टर ऐसे केसेस आपके पास आते हैं, मिस्टर होते हैं, तो आप उनका ट्रीटमेंट के कोई आपको ऐसा कोई किस्सा या कोई इस तरह का कोई ऐसा केस या वो जो आपने रिसेंटली सॉल्व किया हो? ये पूछा आया था मेरे पास, तो उसके साथ में बातों बातों में पता चला कि उसके साथ ये ज्यादती हुई है, तो लेकिन उस वक्त तक उसको नहीं था। तो फिर उसने जब ये चीज़ का डायग्नोसिस हो गया कि अब्यूज हुआ बच्चा, तो फिर उसके देखा गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या कुछ हो रहा है, तो उसे जो है हमने फिर डील किया उसको कि वो जो उसकी जो डिप्रेशन का है, हमने उसे डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग करनी है, फिर उसको इंकरेज करना है, उसकी जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं उसको रिजॉल्व करना है, और फिर उसको एंटी डिप्रेशंस जो है वो हम दे रहे होते हैं, और उसको उस माहौल में मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, तो वो मेडिसिन उनका रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कहा जा रहा है इस तरह की गोलियाँ खाने से ये हो जाता है वो जाता है। नहीं नहीं, मेडिसिन जो दिमाग को हो जाता है, मेडिसिन जो है बहुत यूजफुल है और डोज डिपेंडेंट होती है, हम उसके हिसाब से जो उसके वेट के हिसाब से और पीएच के हिसाब से जो ड्रग होती है वो हम देते हैं। इसके लिए तो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं कि ये दवा बच्चों में इस्तेमाल हो सकती है, इतनी डोज में दे सकते हैं, उतनी डोज इस्तेमाल करते हैं, कोई डोज एकदम से फ्री एडल्ट डोज नहीं होती, तो उसकी मदद से ये कि और जल्दी रिकवरी आ जाती है उसमें, और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी ये लॉन्ग सेशंस हैं, उसके लिए सेशंस होते हैं रेगुलर, और उसे हम करते हैं। हाइपनोटाइजेशन एक ज़माने में एक वे ऑफ ट्रीटमेंट था, लेकिन अब उसके इतना वो इफेक्टिव नहीं रहता है, तो उसकी जगह पे और दूसरे मेथड बहुत सारे आ गए हैं वो यूज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर सैयद अख्तर ने हमें इतना अपना कीमती टाइम दिया, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर साहब को भी कॉल्स वगैरह आ रही हैं, जो भी इनके पेशेंट्स वगैरह हैं वो वेट कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर साहब का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये एक बहुत बिग इशू है जिसको हम समेट कर नहीं गुफ्तगू कर सकते, जितना हमारे पास टाइम था उस हवाले से हमने इसको डिस्कस किया, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है, इस पर बात की। जो मुझे समझ आया वो ये चीज़ एक ज़्यादा तौर पर मुझे समझ आई कि बच्चे का और माँ का रिलेशन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चे में और माँ में, किसी किस्म का कोई ऐसा पर्दा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा अपनी माँ से कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए हिचकिचाए। बच्चे में और माँ में फ्रेंडशिप का एक रिश्ता होना चाहिए, मोहब्बत का एक रिश्ता होना चाहिए, ठीक है, डर और एहतराम, इसमें भी डिफ्रेंशिएट आ जाता है कि माँ बाप का वो एहतराम करें, चाहे डरे नहीं, अपनी हर बात बिना झिझके शेयर कर सके। तो उन माओं को चाहिए जो इस वक्त इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं कि उनके बच्चे उनको तंग करते हैं, वो परेशान हैं, तो अक्सर माओं से मैंने सुना है वो कहती हैं भाई ये तो सुधर ही नहीं सकता, इसका तो अल्लाह ही हाफिज है, और ये बातें भी बच्चे पे बड़ा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि फिर बच्चा को सुन रहा होता है ना, मुझे यह होता है कि अच्छा हाँ मतलब मेरी माँ ही तो बोले मैं तो सुधर नहीं सकता, मैं करूँगा। तो आप अगर कुछ नेगेटिव कर भी रहा है तो आप उसको बोलो कि नहीं ये नहीं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मानूंगा कि हाँ ये मेरे बच्चे ने चीज़ की, बोलो नहीं ये नहीं कर सकता, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि जी मेरी माँ मुझको इतना ट्रस्ट करती है, देन वो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ मे बी 80% वो चीज़ वो ना करे। लाइफ की सुबह में सेकंड सेगमेंट जो है उसमें हम आपकी मुलाकात सेलिब्रिटी हैं हमारे पास मौजूद हैं, उनसे आप मुलाकात कराएंगे, वो कौन है ये देखने के लिए आप देखते रहिए लाइफ की सुबह। In the year 2012. Hamare paas is waqt approximately 500 banda guards kaam kar raha hai, jisme both civil and army
retired guards in my class. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, hum logon ne 20% of the market capture kar liye hai based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance. Well, there are a few short answers to that. Hamare paas UK se ek highly trained personnel aata hai, all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well. कि हमारे गार्ड्स वहाँ पे ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज कस्टमाइजेशन. वी बिलीव इन वर्किंग टू वेज. टू वेज इन अ वे वी आस्क आवर क्लाइंट व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट्स. सो लिस्ट डाउन देयर रिक्वायरमेंट्स, वी स्कैन इट एंड वी कॉल आवर क्लाइंट टू come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28 Block 2 behind Amr Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. Assalamu alaikum, this is your host Zoe Bashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world what happened in the last week. Australia towards to England. Let's talk about some other news from Formula One. Keep watching LiveTV.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. On www.thelivetv.tv पर आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया है. रेहान अल्लाह वाला साहब, ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है. पेशेंस डेवलप करें, अपने अंदर भी, अपनी कॉम के अंदर भी बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप. लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा. तो हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफी ज्यादा इश्यूज हैं. हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में. कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है. अच्छा. हजामा भी फील्ड है और एक प्रेशर भी फील्ड है. हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए. हमारे जो सेकंड सेगमेंट है
सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद होंगी। तो आज मेरे पास जो गेस्ट मौजूद है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ कि अक्सर फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो इधर की उधर लगाता है और उधर की इधर लगाता है। तो इस तरह का उनका कैरेक्टर वो रियल में ऐसी नहीं है, इस बारे में उनसे भी बात करेंगे, बट ये कि उनको नॉर्मली इसी तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं और वो उन्हें बखूबी निभाती हैं। हमारे साथ मौजूद है रेहाना करीम। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जैसे कि मैंने आपके इंटरव्यू में कहा, मतलब आप तो कमर्शियल्स भी कर चुकी हैं और लगातार ड्रामे कर चुकी हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है नॉर्मली ये वाला कैरेक्टर आपको मिलता है जिसमें थोड़ी इधर लगाई बुझाई करनी होती है, तो नॉर्मल जिंदगी में इसके कुछ अफेक्ट नहीं पड़ते? बिल्कुल पड़ते हैं, और जो ऑडियंस होती है वो हमें कैरेक्टर के हिसाब से ही देख रही होती है, हमारी पर्सनल लाइफ किसी को नहीं नज़र आ रही होती। बाहर जो हम टीवी पे नज़र आ रहा था, ऑडियंस और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो यही समझ रहे होते हैं कि हम रियल ऐसे हैं और हमारा कैरेक्टर ये है। जो लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कैरेक्टर करते हैं उनको बड़ा मजलूम, और जो इस तरह के मेरे तरह शार्प और नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं तो भाई ये तो बहुत तेज़ है, बच के रहना चाहिए। हाँ। ये तो है, ये तो पता नहीं क्या चीज़ होगी। हाँ। तो अक्सर जिंदगी में जब मेरा कोई प्ले चल रहा होता था, एक मेरा चला था रोग ड्रामा, जो बहुत ही एक खातून होती है बहुत ही तेज़ होती है, एक बच्चे की शादी हो नहीं रही होती, बड़ी मुश्किलों से उसकी शादी तय होती है, और जब वो शादी के एंड वक्त पे ना ये जाके सारा गाना फोड़ देती है कि वो लड़की के साथ ये हुआ फला हुआ ढीका हुआ, और उसकी बारात वापस चली जाती है। ये एक सीन चला था टीवी पे। हाँ। उसके बाद मैं एक मॉल में गई, वहाँ लिटरली मुझे लड़कियों ने औरतों ने पकड़ के बोला, आपको शर्म नहीं आती? ओह गॉड, आप इस तरह की हरकतें करती हैं, उसकी अगर शादी हो जाती तो आपका क्या बिगड़ जाता? हाँ। अब मैं उनको क्या बताऊं कि ये एक ड्रामा था, मगर वो इतना पर्सनल हुई थी, लोग जो है इतना पसंद करते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल वो ये समझ रहे थे कि ये रियल स्टोरी है या रियल मतलब इस तरह करते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए वो एक ड्रामा था, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना सीरियसली लिया और इतना डिटेल में लिखा। अच्छा, ये चीज में क्लियर करूं कि इसमें तो आपकी भी खूबी हुई ना कि आपने वो इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर करना कोई आसान बात नहीं है, आपने इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया कि उनको इतना रियल लगा। हाँ बिल्कुल, और वो मतलब इतना खो जाते हैं ना कैरेक्टर में, और इतना वो समझते हैं कि अब क्या हो रहा है। दो चार लोगों ने तो कहा कि भाई जिस वक्त आपने बोला है, यकीन जाने में आधे घंटे तक बैठ के रोती रही कि इस औरत ने किया क्या, जो मतलब ड्रामा समझते थे जिन्होंने, उन्होंने कहा कि इतना मतलब आपने रियल किया कि मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि वो ये इस लड़की के साथ इस कितनी बड़ी ज्यादती हो गई इस औरत की वजह से। उनके समझ में आया, मैंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं होता, हम बस जाते हैं, हमारी कोई ऐसी नहीं थी, मगर जो करेक्टर की डिमांड होती है, जो आर्टिस्ट हमारा जो हम प्ले कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसके साथ हमें इंसाफ करना होता है, और हमें वो चीज़ लेके आनी होती है, वो कैरेक्टर लाना होता है पूरा का पूरा, और आप लोगों को फेक ना लगे, रियल लगे। हमारी मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे मतलब इतनी तेज हो चुकी है कि जहाँ आप जरा सा रिएक्ट करेंगे ना, वो फौरन ग्रैब कर लेती है, फौरन पकड़ लेती है कि नहीं इसमें ये सही नहीं होता। तो चलो ये तो एक आम जिंदगी की बात हो गई, मैं अपनी एक रियल लाइफ की बात करती हूँ, ये तो हम चले हमारे साथ अक्सर और बेशतर होता रहता है कि हम बाजार गए या शॉप पे गए या शॉपकीपर से कोई चीज मांगी तो उसने कहा कि नहीं मैं दाम नहीं कम करूंगा, आप मुझसे लड़िएगा नहीं। तो ये थोड़ा सा हो जाता है, मगर एक मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि मैं अपने भाई के लिए लड़कियाँ देख रही थी, मुझसे छोटा भाई है तो मैं उसके लिए जाती थी, तो दो चार दफा ऐसा हुआ कि मैं गई तो उन्होंने थोड़ा सा नागावारी का मुंह बनाया क्योंकि भाई ये मैंने कहा नहीं आप लोग देख लिया करें, मैंने नगर में जाके एक लड़की पसंद कर ली, सब कुछ कर ली, उन्होंने कहा कि हमारी बहन रहती है, सारे मामला तय हो गए, कह रही है हमारी एक बड़ी बहन है वो आएंगी, वो देखेंगी, वो फाइनल है इंशाल्लाह। जब मैं गई हूँ तो उनकी अम्मी ने तो पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, कहिए ये बहन है, मैंने कहा हाँ, कहेंगे ये तो बहुत तेज है। लेकिन मैंने कहा मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, तो आपको कैसे पता कि मैं बहुत तेज हूँ? कहीं नहीं, मैंने आपको ड्रामा में देखा भाई आप बहुत तेज हैं। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप मतलब खैर वो मामला तय हो गए और शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो ये उनकी ही बेटी कहती है कि नहीं भाई मेरी नंद तो बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी यही नंद है। नहीं, सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि जो ड्रामों में हम देखते हैं वो जो भी कैरेक्टर निभाते हैं तो वो रियल में वैसे नहीं होते, समटाइम्स जो होता है ऐसा कि वो रियल में भी ऐसे होते हैं, लेकिन उमूमन ऐसा नहीं होता। तो अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, शुरू शुरू जब इस तरह के कैरेक्टर्स आपको मिले तो आपने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि खुद की भी एक्सेप्टेंस होती है ना। नहीं, मैंने पहले नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किए थे, मैंने बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर किए थे, मगर कुछ एक दो कैरेक्टर्स ऐसे आए कि मैंने वो पता नहीं शायद मुझसे बहुत अच्छे होंगे। तो अब वो ये होता है कि आपके पास आर्टिस्ट पे हमेशा से यही हुआ है हमारे यहाँ के, वो एक छाप सी लग जाती है
क्या ये नेगेटिव अच्छा करती है तो उसको नेगेटिव ही दे देते हैं, या ये विलन बहुत अच्छा करता है उसको विलन दे दो, तो वो टैलेंट जो है ना वो कहीं हमारा दब जाता है और जो एक टैलेंट होता है वो सिर्फ वो ही सामने आता रहता है। तो मैं तो खैर अब ज्यादातर कम ही नेगेटिव कर रही हूँ, अब ज़रा पॉजिटिव की तरफ भी आ गई हूँ कि लोग मुझे बिल्कुल ही ऐसा लग रहे कि जहाँ से मैं निकलूँ मुझे चबाटे ही पड़ रहा है। मैं बेसिकली जब मैं पढ़ती थी तो मैं जब स्कूल कॉलेज लेवल पे तो मुझे शौक था, ये शौक बस ऐसा था कि मैं स्कूल और कॉलेज में ही अपना टैलेंट शो कर सकती थी, घर में मुझे इतनी परमिशन नहीं थी। बेसिकली हम लोग पठान फैमिली से हैं तो मेरे फादर और मेरी मदर कभी भी मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं बाहर जाके ये खासतौर पर शो भी, तो घर में सकती थी, पढ़ाई होती थी, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शादी हो गई। शादी के बाद जब जाहिर बात है कि जब मेरे हस्बैंड और मेरे शॉप उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ठीक है आप कमर्शियल्स वगैरह कर दो, जब कमर्शियल्स किए तो कमर्शियल्स के बाद फिर मुझे पीटीवी पे बैठी हुई थी मैं बहुत, मतलब 11-12 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैं पीटीवी पे बैठे हुए थे, ऑडियंस में तालियां बजा रहे थे तो कैमरा हमारे ऊपर था, किसी ने जज किया कि भाई अच्छी फेस है, अच्छा शक्ल है, ये है वो है। खैर वो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो साहब आए, उन्होंने कहा आप ड्रामों में काम करेंगे, मैंने ड्रामों में नहीं करेंगे, मैंने एक दो कमर्शियल किए हुए मगर ड्रामा नहीं किया, वो कह रहे कोई मसला नहीं हम करवा लेंगे, आप आए बच्चों का एक प्ले एडवेंचर टाइम के नाम से हम लोग करते हैं बालन सारे साहब उनका, वहाँ मुझे ले गए, वो दो तीन उन्होंने मुझसे डायलॉग बुलवाए, कॉन्फिडेंस तो था। वो पहला जो आपका कैरेक्टर था वो कैसा था? वो एक बच्चे की मदर का कैरेक्टर था क्योंकि वो बच्चों का शो होता था कि बच्चे कुछ भी एडवेंचर करते थे और फिर वो एक कहानी की तरह उनको बताते थे, और हमारे सलीम गार्डन साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पहला मैंने प्ले उनके साथ ही किया था, वो मेरे भाई का कैरेक्टर उन्होंने किया था, तो मरूम बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, और फिर पीटीवी से फिर मैंने स्टार्ट किया, पीटीवी से बच्चों का प्रोग्राम किया, फिर थोड़ी बहुत होस्टिंग करी, फिर फिर उसके ये इसी तरह आगे आगे चलता रहा, जब पीटीवी से लोग आने लगे पीटीवी में तो मुझे फिर बाहर से ऑफर आई प्राइवेट चैनल्स के लिए, फिर मैंने प्राइवेट चैनल्स में भी काम किया और इसी तरह बस मतलब आई थिंक और कमर्शियल साथ साथ चलते, कभी दिल्ली चाह होस्टिंग सिंगिंग कोई और भी शोभा, क्योंकि यहाँ पे होता है मीडिया की फील्ड में ये मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं कि अगर नहीं भी काम आता तो लेकिन हाथ जरूर आते हैं। आपने किसी और मैंने कहा कि गाने के तो मुझे तो कोई इतनी अच्छी आवाज ही नहीं है कि मैं गा, मगर गाने के लिए तरफ मैंने कभी नहीं सोचा क्योंकि मैं नहीं समझती कि मेरी आवाज इस काबिल है कि मैं गाना गा सकूं। अलबत्ता होस्टिंग की तरफ मैंने किया था, फिर बच्चों का एक प्रोग्राम किया था, उसके बाद फिर ड्रामा और कमर्शियल से इतना टाइम नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात है अपने बच्चों से टाइम नहीं मिलता, तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, आप मैनेज कर लेते हैं, मैनेज करना पड़ता है, इसमें हस्बैंड का हस्बैंड की कॉम्पिटिशन ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। वो जाहिर बात है कि जब मैं घर पे नहीं होती फुल टाइम वो भी होते हैं, फिर मेरी और साथ में जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, बस वो मेरी सास भी होती हैं, देवरानियाँ वगैरह हैं, ये लोग सारा बच्चों का ख्याल करते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं जब वो देखते होंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बताते होंगे कि मेरे बच्चे मेरी फैमिली कोई लाइक नहीं करता, मुझे टीवी पे आना किसी को पसंद नहीं है, मतलब कोई नहीं मुझे अप्रिशिएट करता कि अखबार दफा मेरा ड्रामा भी लगा होता, मैं बैठी अकेली देख रही होती हूँ, कोई नहीं देख रहा होता, नहीं वो कहते कि हमें इन चीजों से इंटरेस्टेड नहीं, ये लोग है ही नहीं, मतलब वो जाते ही नहीं है कि ना हम लोग वो जाते नहीं कि माँ है। अच्छा मतलब इसके कैरेक्टर का कुछ होता है कि जी ये वाला कैरेक्टर करेंगे तो हम नहीं देखेंगे वो देखते हैं बताते हैं कि नहीं ये तुमने अच्छा किया ये बुरा किया अब ऐसा नहीं करना है, या मैं खुद अपने आप को जज कर रही होती हूँ, अदरवाइज और मेरे किसी घर में किसी को मुझे फैमिली में मुझे कोई इतना वो अप्रिशिएट नहीं है। अच्छा बाहर जब जाती होंगी कोई ऐसा फैन हो आपका जो आपको याद रह गया हो कि भाई ये तो बड़ा क्रेजी किस्म का मेरा फैन या फैन जो भी कोई क्रेजी था कोई क्रेजीनेस सीन कोई क्रिएट हुआ कोई वाक्य कुछ ऐसा ऐसे जैसा कुछ हुआ तो नहीं, वैसे फैंस मिलते हैं तारीफ करते हैं अक्सर, कभी कोई
किसी कैरेक्टर की या किसी प्ले की तारीफ होती है, आगे की कहानियाँ पूछते हैं, मगर ऐसा नहीं कि कोई मतलब बिल्कुल पागल हो गया कि नहीं भाई मैं आपसे तो मुझे मिल नहीं है या आपसे तो बात ही करनी है या इस तरह की कुछ नहीं। हाँ एक दो फॉर्म्स ऐसे आए थे जो उन्होंने कहा था कि नहीं हम आपसे मिलना चाहते हैं, पर्सनली देखना चाहते हैं या मतलब फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं लोगों को इतना टाइम दे सकती। अच्छा तो कोई ऐसा जब शुरू जैसे ड्रामा की कमर्शियल्स किए फिर ड्रामा किया तो बाहर निकली दुनिया को जैसे फेस किया लोग, मतलब क्या कोई ऐसा पहला ऐसा मुझे इंसिडेंट रहा है ना जिसमें लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज किया और ये वो तो हो जा रही है। मैंने एक ड्रामा किया था कॉलेज जिसमें मैंने शगुफ्ता का कैरेक्टर किया था, शगो जिसको बाद में सब लोग करने लगे थे। वो एक वाइब प्ले ऐसा था कि मैं जहाँ पर भी जाती थी कराची से बाहर भी, यानी कि इंटीरियर सिंह हैदराबाद वगैरह सक्खर महामीरपुर खास जहाँ मैं शूज के लिए गई, तो वहाँ मुझे बड़ी हैरत हुई कि वहाँ लोगों ने मुझे उस कैरेक्टर से पहचाना कि अरे आप तो कॉलेज में आती ना वही शगो है ना। मैंने कहा आप लोग कहेंगे हमारे यहाँ केबल नहीं है तो हम पीटीवी ही देखते हैं, और वहाँ मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया। वो कैरेक्टर अभी तक लोगों को याद है और वो हम लोगों ने तकरीबन 3 साल तक उस सारे ग्रुप ने काम किया था, और कॉलेज एक सोप था पीटीवी का जो 9:30 बजे स्टार्ट होता था, और मेरे ख्याल से उसकी 200-250 से ज़्यादा एपिसोड्स गई थी, और शुरू वन डे से मैं लास्ट तक थी उस एपिसोड। अच्छा कोई मतलब पहला कोई ऐसा चेक मिला हो या कोई ऐसी सैलरी कुछ ऐसा मिला हो बड़ी खुश हुई हो, क्या किया उस पहले चेक का या पहली सैलरी? वही बता रही हूँ कि पी टी वी से जब मैंने एडवेंचर टाइम किया था तो मुझे 3,500 का चेक मिला था, तो उस वक्त मैं बड़े खुश हुई थी। ये मेरी अपनी ही मतलब एक थी, वैसे तो मैं कमर्शियल्स में भी मैं मतलब पैसे मुझे मिले थे कमर्शियल्स के तहत, पहली सैलरी क्या थी जमा कर ली थी कि नहीं मैं जमा कर लेती हूँ या मैं अपने ऊपर खर्च कर ली थी, कोई शॉपिंग कर ली थी? मेरा बेटा हुआ था तो पहला जब मैंने कमर्शियल किया था तो मैंने एयर का कमर्शियल किया था, मुझे हैवी अमाउंट मिला था और अच्छा अमाउंट का हो, तो मैंने फिर जब मेरा बेटा 1 साल का हो मैंने संभाल के रखे, जब मेरा बेटा 1 साल का हो तो मैंने उसकी बर्थडे की थी। तो हम रिहाना से और सवाल जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका फेवरेट एक्टर कौन है, उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो देखते रहिए लाइव की सभा। जैसे ये है कि हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है
वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए, उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं, और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक करेगी, और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटीरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन पे भी दे सकते हैं, बहुत खूबसूरत और यूनिक। हमारे लिए तकद्दस जो लोग सुनी इत्तेहाद के खिलाफ काम करते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं, हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। हुसैन किसी एक फिरके का नाम नहीं, ना वो एक मूल एक फिरके के लिए कुर्बानी दी है, उम्मत मुसलमान के लिए कुर्बानी दी है। कितने अहले सुन्नत उलमा उठे के हजरत उमर की शहादत या तो मुहर्रम नहीं है, या आप क्या फसाद फैला रहे हो? जब तक असबाब खत्म नहीं होंगे ये फसाद फांसियों से भी खत्म नहीं होगा। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाई है ये दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए, इनको सही तहकीकात होनी चाहिए, तो सजा मिलनी चाहिए। Assalamualaikum, this is your host Zoe Vashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula One. Keep watching LiveTV.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो हमारा ड्रामा मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, तो इसमें
पूछूंगी वो कौन से जो एक्टर है नए आने वाले भी मैं पूछूंगी आपसे और वो कौन से जो आपको बहुत पसंद है। माशाल्लाह सभी का काम बहुत अच्छा हो रहा है और हमारा मैं तो खुद कहती हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामे तो हमारे पूरे वर्ल्ड में ही मशहूर है और इसी वजह से मशहूर है कि बहुत अच्छी एक्टिंग हो रही है, बहुत अच्छी स्टोरीज हैं और हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ पूरा पूरा इंसाफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है जो आप लेना चाहें? माशाल्लाह सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, हर बंदा किसी ना किसी से सीखता ही रहता है। इस वक्त जो सारे लोग बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से जितने भी हमारे सीनियर्स हैं वो सारे ही मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और मैंने उसे सीखा भी है और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। किसी एक का नाम लेना मेरे लिए ज्यादती हो रहा है। हमारे टेलीविजन मीडिया में एक नई चीज नया ट्रेंड होता है कि अब हम लोग ना डाइजेस्ट की जो स्टोरीज होती है क्योंकि वो काफी सारे लोग हैं जो डाइजेस्ट करते हैं स्टोरीज पढ़ने, तो अभी नया ट्रेंड जो है वो 3-4 सालों से चल निकला है कि उनकी स्टोरीज जो है वो उन पर ड्रामा बनाया जाता है। आप क्या कहते हैं इस ट्रेंड के बारे में, ये सही है? मेरे ख्याल से तो जितने पढ़ने जी और उसको पोर्ट्रे करने में डिफरेंस होता है और डाइजेस्ट की स्टोरीज जो होती है वो हमारी रियल लाइफ से बहुत हटके होती है। ख्याली वो बिल्कुल किसी ने फर्जी कोई मतलब एक सोच लिया कि ऐसा होना था, ये स्टोरी होनी थी, ये बहुत मतलब मैं नहीं समझती कि डाइजेस्ट की स्टोरीज को आप ड्रामा में बहुत अच्छी तरह कन्वर्ट कर सकते हो या समझा सकते हो। ऐसा फिर वो बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो जाता है। आप रियल लाइफ में उसको वो सारी चीजें नहीं दिखा सकते जो एक आप डाइजेस्ट में या एक आप इस तरह की, क्योंकि पढ़ने वाला तो अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेता है ना कि उन्होंने कहा है कि जी इतनी खूबसूरत तरकीब थी, उसने ये किया हुआ था और यूं था और यूं था, तो फिर वो आप नहीं सही जगह पोर्ट्रे कर पा रहे तो या तो फिर वो स्टोरी खराब हो रही है या फिर एक्टिंग। और फिर हर बंदा जो पढ़ रहा होता है वो अपने दिमाग में एक अलग कैरेक्टर बना लेता है कि ये कैरेक्टर ऐसा होगा, ये कैरेक्टर ऐसा होगा, और जब हम उसको ड्रामाई तश्कील देते हैं तो वो हमारे हर किसी के हम अब जहन नहीं पढ़ नहीं कर सकते और वो चेहरा तो नहीं उसकी। इसी पर हम बात करें कि आजकल न्यू टैलेंट बहुत तेजी से आया है और हर दूसरे तीसरे ड्रामे में नजर आ रहा है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, क्या मतलब जो सीनियर्स हैं उनकी जायजा कर, उन्होंने इतने अरसे काम करने के बाद जो है ये पोजीशन हासिल की है और जो जूनियर्स जो अभी अभी आए हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा, मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा ये तब्दीली है और आना चाहिए लोगों को, क्योंकि आप एक चीज़ देख देख के बोर हो जाते हो। अब मैं कितने कैरेक्टर करूँगी, आप मुझे मेरी शक्ल देख देख के आप बोर हो जाओगे, आपको नहीं अच्छा लगेगा कि मैं हर प्ले में गेटअप बदल के या अपना ड्रेस चेंज कर करके या हुलिया चेंज कर करके बार बार आप आऊँगी तो कहेंगे कितनी वैरायटी लेके आएंगे। नए लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सीनियर की जगह अपनी जगह है, मगर जो न्यू टैलेंट है जूनियर लोग भी हैं उसमें भी बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड लोग हैं, बाज़ दफ़ा हम लोग जूनियर से भी सीख रहे होते हैं। हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, बास बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मतलब अप्रिशिएट करते हैं, लोगों से पूछते भी हैं, अपने आप को अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं, और बास ऐसे भी हैं जिनके एक दो प्ले हिट हो गए और वो समझते हैं बास बास अब कोई नहीं है हमारे आगे, हम बहुत जाएंगे ऊपर और ये होगा और वो होगा और उनके एटीट्यूड शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, वो होता है, वो इस फील्ड में है, लोगों को थोड़ा सा अगर थोड़ा सा मिल जाए कि अप्रिसिएशन मिल जाए, उनकी कोई चीज़ हिट हो जाए या अच्छी फीडबैक आ जाए तो वो अपने आप को समझने लगते हैं कि बस अब हमने तो बहुत तेज मार लिया, अब हमसे अच्छा कोई नहीं और अब हम ऊपर गए, और फिर उनके एटीट्यूड में चेंज आना शुरू हो जाता है। ये यहाँ पर गलती है। अगर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको आपके काम को अच्छा कहा जा रहा है, तो आप उसको और नीच करो, ये नहीं कि आप अपने आप को अभी भी मैं अगर कोई कैरेक्टर मुझे मिलता है तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये मैं पहली दफा कर रही हूँ, मैं इस तरह उसको लेती हूँ, मैं ये नहीं कि मैंने तो इतना काम कर लिया, ये तो मैं यूं ही कर दूंगी। ऐसा होता है कि कोई एक होता है ना, एक आर्टिस्ट के अंदर एक ऐसा आर्टिस्ट बैठा होता है कि जी अगर कोई गलत डायलॉग बोल रहा है तो अंदर से होता है जिसको मैं बताऊँ जाके ऐसे ही देखो तो ऐसे बोलो। हाँ, बार दफा ऐसा होता है कि बंदा कर एक टेक हो गई, दो टेक हो गई, तीन टेक हो गई और वो उसे सही नहीं बोला जा रहा, तो उसको थोड़ा सा बताते हैं कि देखो बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बोल दो तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, या इस तरह अब तो हमारे डायरेक्टर ही बता रहे होते हैं, बार दफा आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट भी हम बता रहा होता है, हमारे सीनियर आर्टिस्ट ने हमें बताया तो हमें भी हमारा भी फर्ज है कि हम भी अपने जूनियर्स को बताएं, अगर बहुत समझता है तो ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता। आपने एडवाइस की और सामने से उन्होंने जी बुरा मान लिया, आपकी मुझे बताया नहीं, खैर
इतना भी अभी माशाल्लाह बड़े शऊर वाले बच्चे आ रहे हैं, बड़े अच्छे बच्चे आ रहे हैं, पढ़े लिखे बड़ी अच्छी फैमिली से बच्चे आ रहे हैं, तो मानते हैं, जानते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। दो चार उसमें ऐसे हैं जो एटीट्यूड दिखाते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर अक्सरियत ऐसी नहीं है, अक्सरियत बड़ी माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चियाँ बच्चे आ रहे हैं, तो वो सीखने की भी कोशिश करते हैं और अगर उनको बताया जाए तो वो उसको समझ के करने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर अगर कोई भी बता रहा है, मुझे अगर मेरा सीनियर बता रहा है या मुझे जूनियर भी बता रहा है, तो मुझे बुरा मानने की कोई इसमें वो नहीं है। हो सकता है कि वो बेहतर तरीके से कर कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर कहते हैं कि अगर आपका माइंड कह रहा है कि नहीं ये सही कह रहा है, तो आप उसको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। आप समझती हैं कि मीडिया जो आजकल दिखा रहा है, टेलीविजन मीडिया दिखा रहा है, जो चाहे दिखा रहा है, क्या वो सही है हमारी नई नस्ल के लिए? सही है? सही मैसेज पोर्ट्रेट कर रहे हैं? सही मैसेज डिलीवर कर पा रहे हैं? देखिए, अक्सरियत तो हमारे ड्रामे ऐसे ही होते हैं जो हमारे माशरे से ही लिए गए होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है वही। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम दिखा सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बनी रहे। तो अब आजकल तो ये डिफरेंस खत्म हो गया ना, हर चीज टीवी पे चल रही है। ओपनली कोई भी चीज मैं कहती हूँ कि डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ओपनली जो भी आप चीज लगे, देखिए वही मकसद, वही आप एक तरीके से अच्छे अल्फाजों में भी बता सकते हैं और एक आप खुल के भी बता सकते हैं। समझने वाला आजकल कोई इतना बच्चा नहीं है, छोटा सा, छोटी सी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, वो इतने ही तो अगर आप उसको ढके छुपे अल्फाजों में बताओगे समझने वाला तब भी समझ जाएगा, आप उसको क्लियर लेके बताओगे, उसको एक एक चीज पोर्ट्रेट करके बताओगे तो वो बात। मगर जो फैमिलीज में बैठ के फिर वो जो बात होती है ना, जब आप अपनी बहन के साथ, बेटी के साथ, या मतलब अपने किसी बड़े अब्बू के साथ या भाई के साथ, तो फिर आप जो है ना वो फिर एकदम से जी सब फैमिली बैठ के 8 बजे ड्रामा लगा है, 9 बजे खबरनामा आ रहा है, फिर 11 बजे 10 बजे डेली थिएटर आ रहा है, फैमिलीज बैठ के देखा करती थी। इवन मूवी लग रही है फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, तो वो भी बैठ के देख जाती। तो अब आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ड्रामे बन रहे हैं? कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के हैं, मगर आजकल चॉइस इतनी है बच्चों के पास कि वो, और रिपीटेशन इतनी है ड्रामों की कि अगर आप सोच समझते हैं कि ड्रामा फैमिली के साथ बैठ के देखने का नहीं है, तो उस वक्त आप फैमिली के साथ वो ड्रामा नहीं देख सकते। अदरवाइज अगर आपको पसंद है उसकी स्टोरी या अगर कुछ इस तरह के ड्रामे बनते हैं, एक जो नाम भी मेरे जहन में ले जानी चाहूंगी, तो आपको क्या लगता है ऑडियंस पसंद करती है या ऑडियंस की डिमांड ही है ये? नहीं, डिमांड तो देखिए ऑडियंस तो अच्छी चीज देखना चाहेगी हमेशा, डिमांड तो कभी भी किसी चीज की नहीं है। मैं गुलबर्ग कहूँ कि अब हर बंदे की अपनी नेचर है, वो क्या देखना चाह रहा है क्या नहीं देखना चाह रहा, आप किसी की नेचर नहीं बदल सकते। तो अगर उसको इस टाइप के ड्रामे देखने या इस टाइप का माहौल रखना है, तो वो अपने घर में एक टाइम फिक्स करेगा कि हाँ भाई मेरा ये टाइम है, मैं ये बेड लगा के देख लूंगा इस वक्त मेरा, वो उसकी अपनी चॉइस है। मगर ऑल ऑफ आप बात करोगे कि सारी फैमिलीज या सारे लोग या सारे व्यूवर्स, तो ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपने फैमिली में बैठ के इतने बदतमीजी या वाहियात किस्म के ड्रामे देखें। या अपनी माँ से बदतमीजी कर रहा है, नहीं बात सुन रहा, और अगर माँ बेटे बैठ के ड्रामा देख रहे हैं, तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब कोई बच्चा अच्छा भी होता है, क्योंकि अच्छा अच्छी चीज हो रही है, तो माँ बैठ के देख रही होती है, तो वो उसको कहती है देखा, देखो वो किस तरह कर रहा है। तो जब इस तरह की चीजें होती है, तो बच्चे भी उम्र की माँ को देखते हैं। मगर देखिए हमारे यहाँ हमेशा है ना नेगेटिव पहलू को ज्यादा ले लिया जाता है, मगर उसका एंड नहीं देखा जाता कि अगर हमारे कभी भी हमारे ग्रामों में ना ऐसा नहीं होगा कि एक बदतमीजी हो, वो बहुत बाद में भी वो बहुत ही अच्छा बने, ये नहीं, बदतमीजी आखिर में जाके उसको पनिश मिलेगी, उसका जो भी कुछ होगा उसका एक नतीजा जरूर दिखाया जाता है, गलत काम का नतीजा जरूर दिखाया जाता है। तो अगर वो उस वक्त उसको गलत काम करते हुए दिखाया जा रहा है ड्रामे में या कहानी में या जो भी कैरेक्टर है, तो उसका अंजाम भी दिखाया जाता है, तो हम उसको अंजाम को भी देखना होते हैं, हम फौरन उसको पिक कर रहे होते हैं कि अरे इसने तो ऐसा कर लिया, इसने तो वैसा कर लिया, मतलब उसकी बाद में भी तो देखें कि अगर उसने ऐसा किया वैसा किया तो उसका अंजाम क्या हुआ। अच्छा, अब जैसे हमारे ड्रामे में दिखाते हैं कि कुछ बाल ड्रामे ऐसे होते हैं कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन बाल ड्रामे ऐसे होते हैं जैसे हम अपने दौर में देखते थे, पीली देख लिया, स्क्रीन देख लिया, इंडियन देख लिया, तो इतना नहीं होता था। अब चूंकि कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं देखने चाहिए लड़कियों को, अगर दिखा रहे हैं मोबाइल में फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं या वो कॉलेज के बाहर मिल रही है, तो ये भी एक, और ये होता है कि बाबू की शादी हो गई, ये हो गया, तो ये भी इस तरह के मैसेजेस क्या सही हैं? इस तरह के हमारे मुआशरे में
पास के हर तबके के हर तबके के अलग अलग मसले मसाइल होते हैं, तो ये किसी एक तबके की कहानी नहीं होती, किसी एक एक उसकी वो नहीं होती, हर कैटेगरीज वाइज उसकी कहानी को फिर ये लड़कियों को शोर दिया जाता है कि इस तरह की हरकतें करने से उस ये ऐसे करने से क्या नतीजा हुआ, बाद में इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, ये सारा मैसेज होता है उसके अंदर। तो आज की जनरेशन तो बड़ी चालाक है, सिर्फ अपने मतलब की यही तो सारा मसला है। तो ये उनको देखना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि अगर इसने ये गलती की या इस उस वक्त उसको मजा आ रहा था या उसको उस वक्त बड़ी अच्छा लग रहा था, उसका नतीजा क्या निकला, ये सारी बातें हम बताते हैं और हमारे मुआशरे से ही ये कहानियां होती है, हमारे मुआशरे में ही ये सारी बातें हो रही होती हैं, ये सारा गंद हो रहा होता है। सही। तो वही उठा के हम लोग ड्रामों में लाते हैं। ड्रामा कहाँ से बनता है? ड्रामा कोई हम लोग अपने ख्यालों से तो नहीं बना रहे, ड्रामा बिल्कुल हमारे मुआशरे से ही निकलता है और ये सारी स्टोरीज हमारे मुआशरे की होती है, हमारे अपने ही हर तबके की हर की स्टोरी होती है। तो हर सोसाइटी मैं बहुत सादा मिजाज खाना खाने के लिए आती हूँ और मेरी कोई डिमांड नहीं है कि पे खाना आया नहीं है, क्या लिया तुम के जॉब में नहीं, बस साफ सुथरा हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, चाहे घर का बना, हाँ घर का, नहीं घर का, चाहे आप मैं तो अपनी तारीफ नहीं करूँगी, मगर मेरे घर वाले ये है कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और जो मेरे साथ रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप ही खाना बनाएंगी, बाजार से खाना नहीं होगी तो रिहाना ही खाना होगा। तो बस ये कि शायद अच्छा बना लेती हूँ तभी लोग फरमाइश करते हैं। ड्रेसिंग किस तरह की पसंद है कोई आपका भी, क्योंकि आजकल लोगों को ये है कि जी हम अगर एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं या मीडिया से रिलेटेड हैं तो हमने डिजाइनर वॉर्डरोब पहनी है, डिजाइनर आउटफिट पहनना है, चाहे वो कंफर्टेबल है नहीं है, आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा, बट हमने जी डिजाइनर डिजाइनर का तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं कुछ भी पहन लेती हूँ और जो फैशन में होता है वो मैं जरूर पहनती हूँ, नहीं है। और ये कमी शलवार ये आजकल जो लॉन्ग शर्ट्स और ये फ्रॉक्स वगैरह ये चल रहे हैं ये मुझे पसंद है। अच्छा, हम देखते हैं ड्रामे में जो आप लोगों ने आउटफिट वगैरह पहने होते हैं वो आपको खुद अवेलेबल करते हैं या वो आपके अपने? नहीं नहीं, खुद से हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं, हमें खुद ही करने पड़ते हैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से। और पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग दे देते थे वार्डरोब वगैरह और ये वो, अब वो सिर्फ वो हीरो हीरोइंस तक ही मूड से हो गया, उसके बाद कोई अम्मा को या भाभियों को या बहनों को इस तरह के कोई वार्डरोब नहीं दिए जाते। और हाँ, बता दिया जाता है कि ये कैरेक्टर ऐसा है तो इस तरह के आप लोग डिजाइन कपड़े बनाओ। कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जिसका काम करके आपको बड़ा मजा आया और हर चीज प्रॉपर हुई हो और आपने सही एंजॉय किया कि नहीं ये प्रोफेशन दो तीन है प्रोडक्शन हाउस जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं और ये लोग बहुत अच्छे अपने, मैं नाम दूंगी तो फिर वो यही होगा कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया उसका नाम, नहीं आपने नाम कोई सुनी है मेरा नाम कोई सुनी तो ये मतलब चार पांच लोग हैं ये एमबीबी अच्छा और काफी बेड एक्सपीरियंस प्राइवेट लोग ऐसे हैं जो नए नए आते हैं इस फील्ड में काम करने खड़े हो जाते हैं और उन्हें आइडिया नहीं होता कि हमारा बजट क्या है, हम कर क्या रहे हैं और फिर आगे क्या होने वाला है, तो फिर वो फंस जाते हैं बीच में, तो वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, फिर वो आर्टिस्टों को भी परेशान करते हैं, आगे लोगों को भी परेशान करते हैं और फिर वो उनका काम भी नहीं होता, तो उन लोगों से फिर जाहिर बात है कि फिर हम लोगों को डर लगता है कि इस तरह काम ना करें। तो और बाकी ये कि जो जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं सब बहुत अच्छे हैं, सब काम में बहुत अच्छे हैं, पेमेंट में बहुत अच्छे हैं, सब दे कमर्शियल का एक अपना मजा है, मगर ड्रामे की आपसे आपको पहचान मिलती है और ड्रामा करके आपको, मैं कहती हूँ जो एक एक्टर है उसको ड्रामा करके ही सुकून मिलता है कि उसकी भरपूर टैलेंट जो है वो सामने आता है, नजर आता है कि बंदा कितने पानी में है, तो मतलब कितने टेक में करवा लेती है एक सीन, एक टेक में हो जाता है या फिर जाके सेट पे याद करना पड़ता है कुछ इस तरह होता है? नहीं, याद तो कर रहे, अब तो माशाल्लाह इतना काम कर रही है कि अगर अभी आप मुझे कोई सीन दे तो मैं फौरन पढ़ के और कर लेते हैं, ऐसा कोई इतना याद करने का मसला नहीं होता। हाँ, ये होता है कि सेट पे बाज दफ़ा ऐसा होता है कि हम बिल्कुल गए और एट ए टाइम हमें बस ये सीन पढ़ लीजिए और फौरन कर लीजिए और ये, तो फिर वो थोड़ा सा ये होता है कि आपको वो सारे डायलॉग याद रखने पड़ते हैं अपने जहन में, फिर आपको उस कैरेक्टर में भी घुसना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें अगर ये पहले से पेपर वर्क मिल जाता है तो हम स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, चलें आप सोचें कि अगर आप होस्ट हैं,
ठीक है, और मैं गेस्ट हूँ और आपने ब्रेक लेनी है, और ये आपका कैमरा है, तो आप कैसे ब्रेक लेंगे, आप जरा ब्रेक लेंगे। तो व्यूअर्स कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं सिर्फ 5 मिनट के बाद। देखते रहिए लाइव की सपोर्टर, देखते रहिए लाइव की सपोर्टर। Was established in the year 2012. Hamare paas is worth approximately 500 bandar guards kaam kar rahe hain, jisme both civil and army retired guards hain hamare paas. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, hum logo ne 20% of the market capture kar liye hai based on our services, trained guards. We give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance. Well, there are a few short answers to that. Hamare paas UK se ek highly trained personnel aata hai, all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well. कि हमारे गार्ड्स वहाँ पे ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली? बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स। थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज कस्टमाइजेशन। वी बिलीव इन वर्किंग टू वेज इन अ वे वी आस्क आवर क्लाइंट व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट्स। सो लिस्ट डाउन देयर रिक्वायरमेंट्स, वी स्कैन इट एंड वी कॉल आवर क्लाइंट टू come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28 Block 2 behind Amar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. आज का मौजूद है वो जो 10 मुहर्रम मशहूर है, राव की कॉन्फ्रेंसी इंसिडेंट हुआ, उसको बता दें कि सामने हुआ। एक दहशतगर्द टोला है जो अपना काम कर रहा है, उनको फॉरेन फंडिंग है। इस वक्त के माहौल में जो कुछ हो रहा है, ये दहशतगर्दों का एक ग्रुप ये काम कर रहा है और दोनों तरफ कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी पैदा कर रहे हैं। आशूरा एक हसास दिन है, मेरा सवाल ये आशूरा हसास क्यों है? जो काम होते हैं वो सियासी अनासिर है, ये जो अपने मफादात के लिए सारे सियासी खेल खेलते हैं। सुनी में कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता, कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता। एक दो तीन चार पॉइंट बजा रहा है, ये हम फ्यूचर में भी किस तरह वर्क करेंगे। हर हादसे का यहाँ से शुरू किया जाए, 47 तक हर हादसे के जिम्मेदारों का तायुन किया जाए, उनको सजा दी। क्या हाल है? जलूस को अहले कशी के जलूस खत्म नहीं होंगे, मिलादुन नबी के जलूस खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये कहना कि ये एक रिएक्शन है, ये बहुत बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। जलूस शियों के निकलते रहेंगे, मिलादुन नबी के जलूस भी होते रहेंगे। मजहबी लोगों के पीछे पॉलिटिकल लोग खड़े हैं। आप उससे बात कर रहे हैं, उसे की बात कर रहे हैं। Welcome back viewers, लाइव की सुबह में आज हमारे साथ बहुत ही जबरदस्ती, बहुत ही स्पेशल किस्म की गेस्ट मौजूद हैं। रेहाना मौजूद है, उनसे बड़े मजे की बातें हो रही हैं और बड़ी अच्छी चिट चैट
हवाले से जानेंगे कि रेहमान कॉमेडी कितनी पसंद है, किस तरह की कॉमेडी को देखना चाहती हैं, क्योंकि आप जिस तरह के कैरेक्टर करती हैं ना सीरियस किस्म के और ज़रा लड़वाने वाले, तो लोगों को यकीन इंटरेस्ट होगा जानने के लिए कि रेहमान कॉमेडी कितनी पसंद है। जितने भी हमारे यहाँ सिटकॉम चल रहे हैं, जो भी अलग अलग चैनल्स पे मैंने सिटकॉम में भी काम किया है, और मेरे ख्याल पाकिस्तान में जो है कॉमेडी का मैदान बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमारे यहाँ जो जो छोटी छोटी सी जो देते ना पंचिंग लाइन और इस तरह की, ये कॉमेडी बड़े पसंद की जाती है, और लोगों को शौक भी आ गया है, वो इस तरह की जूम आनी पाते हैं, और ये वो बड़ा मजा आता है आप लोग जब मतलब देखते हैं एक दूसरे से हो रही है। कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिनको लोग बड़ा पसंद करते हैं, उसकी वजह से उन कैरेक्टर्स की वजह से नाटक को बहुत याद आता है, मगर हमारे यहाँ बहुत कम इस तरह के काम हो रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि ये काम थोड़े अच्छे लेवल पे, अच्छे बड़े पैमाने पे हों, और एक अच्छा तरीका, एक हमारे जिस तरह पड़ोसी ममालिक में पूरा एक शो बनता है, उसके ऊपर चलते चले जाते हैं, और बड़े अच्छे उसमें कैरेक्टर्स आते हैं, और हर कैरेक्टर का एक अपना एक वो होता है, तो वो जो है वो दुनिया जो किसी को उस कैरेक्टर की वजह से बहुत जाना जाता है यहाँ पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर है। तो ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। आपको तो कोई कैरेक्टर इस तरह का कॉमेडी मिले तो आप कहेंगे? मैं जरूर करूंगी, और मुझे बहुत शौक है कॉमेडी करने का, और मुझे हंसाने और हंसने का भी बहुत शौक है, और मुझे लगता है कि एक जिंदगी जो है वो दोबारा से आती है आपके ऊपर, अगर आप हंसते हो या किसी को हंसाते हो तो। वैसे हंसाना बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल दो रुलाना तो दो मिनट का काम है, तो ऐसे लोगों को हंसाना ये बहुत मुश्किल काम है, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे सिटकॉम या कॉमेडी करूँ या इस तरह के काम करूँ, और हमारे यहाँ कॉमेडियन बहुत कम है। आपने देखा कि आप इतने सारे पूरा जो हमारा पाकिस्तान है, आप उसमें से चंद एक गिनती के ही होंगे, मैं आपको बता दूंगी कि आप नाम अपनी उंगलियों पर ले सकते हैं, तो लोगों को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, इस टैलेंट को भी ऊपर आने दिया जाए, लोगों के अप्रिशिएट किया जाए, जो लोग इस फील्ड में हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको अच्छे मौके दिए जाए, उन्हें अच्छे कैरेक्टर दिए जाए, उन्हें मौका दिया जाए कि वो अच्छे से अच्छी कॉमेडी करें, सामने आए, अपने टैलेंट को और उभारें, और जो न्यू टैलेंट आ रहा है उनको भी मौके दिए जाए, जिस तरह कैरेक्टर आर्टिस्टों को देते हैं कि न्यू आर्टिस्ट आते हैं, उसमें कॉमेडियन भी लाने चाहिए, वो तीन चार लोग आपको कब तक क्या क्या कितना एंटरटेन, आप क्या समझती हैं बहुत माइनर सी लाइन होती है कॉमेडी में, एक मतलब एक जोक करना, हंसाना, और बदतमीजी और बदतहजीबी, एक बड़ी बिल्कुल माइनर सी लाइन होती है, इसको आप क्रॉस कर दो तो वो जो हंसी मजाक होता है, बदतमीजी और बदतहजीबी हो जाती है। हाँ, इस तरह का कॉमेडी जो होता है ना, वो आपको बहुत ही थोड़े से दिनों के लिए, या जो भी ये इस तरह के जो फील्ड अपनाता है या इस तरह की जो कॉमेडी करता है, लॉन्ग लाइफ नहीं होती, लॉन्ग लाइफ नहीं होती उसकी, वो आपको एक दफा सुन लेगा, दो दफा सुन लेगा, तीसरी दफा वो सुन लेगा। लोग भी अब इतने मैच्योर हो गए हैं, इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते, तो आप साफ सुथरी अच्छी घरेलू मुआशरे से लेके ये इस तरह की कॉमेडी आप करें, तो आप मतलब आप हिट करें किसी को, मतलब बिल्कुल हार्ड वर्क करें, किसी का मतलब किसी की दिल आजारी ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो। अच्छा, ये भी एक ट्रेंड है कि हमारे न्यूज चैनल्स पे अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड बन चुका है कि जब तक किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा तो कॉमेडी नहीं होगी। ये एक गलत पैटर्न है, अगर आप उसको एक बिल्कुल सॉफ्ट ले रहा हो कि बस ये इसको हल्का फुल्का लेना, या किसी की जात पे इतना मत करें, उसका इतना कीचड़ ना उछालें कि वो उसको तकलीफ पहुंचे, इतना नहीं, हल्का फुल्का अगर आप किसी के साथ करो कॉमेडी, जस्ट कॉमेडी, तो वो तो चलता है, मगर आप किसी की बिल्कुल पर्सनल लाइफ के अंदर घुस के उस पर बदतमीजी शुरू कर दें, उसके ऊपर कितनी पर्सनल लाइफ होती है, क्योंकि आप माशाल्लाह शुरू से इतने अच्छे से वाबस्ता हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो भी फैंस होते हैं, जो भी हमारी ऑडियंस होती है, क्या उन्हें पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए? करना तो नहीं चाहिए, मगर फिर भी हो जाते हैं, क्योंकि हम पब्लिक के सामने हैं, हमारी सारी चीजें उनके सामने होनी चाहिए, आज ये फलां चला थी या आज ये फलां के साथ थी या इन्होंने ये बाहर ही नहीं है या फलां से शादी कर ली या ये कर दिया, मतलब ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि हमारा जो व्यूअर्स है वो बहुत शार्प है, बहुत चालाक है वो, और फिर हमारा मीडिया जाहरी बात है, जब हम मीडिया में काम कर रहे हैं तो हमें मीडिया के सारे सब लोगों से वाबस्ता है, और हमारी रिपोर्ट्स भी सबको पता है। आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मुझे सबको पता होगा कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये सब कुछ है,
फैमिली में मैं जहाँ मेरे फैंस मुझे मिलेंगे, जहाँ मैं बाहर जाऊँगी तो वहाँ मुझे देखा जाएगा, मुझे पहचाना जाएगा कि मैं फला के साथ थी, मैं इसके साथ थी, मैं उसके साथ थी। तो आपको लगता है कि सही है कि ठीक है हमारी पर्सनल लाइफ है वो भी लोगों के लिए पर्सनल लाइफ, कुछ लोग बड़े होते हैं पर्सनल, कुछ लोग अपने पर्सनल क्वेश्चन से जवाब भी देना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं आप मुझे मुझसे पूछे मेरे काम के बारे में पूछे ना, मैंने काम किया मैं उस बारे में बताऊँगा, लेकिन जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। तो आपकी नेचर, रेहाना की नेचर जो मैं हूँ वो मैं सबके सामने हूँ, मैं कोई ढका छुपी कोई चीज नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को ढक के रखना चाहती हूँ या छुपा के रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी नेचर ऐसी नहीं है, मेरी जो कारकर्दगी है या जो भी कुछ मैं कर रही हूँ वो सबके सामने कर रही हूँ, मैं क्यों छुपाऊँ अपने आप को, मैं कोई फेक नहीं हूँ, मैंने अलग अलग बच्चे भी होते हैं या ये तो हमारे बच्चे तो वो हमारा जो है वो डाउन हो जाएगा या हमारे ये खैर पहले की पुरानी बातें थी, अब ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे हीरोइंस काम कर रही है, उनके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, वो शादीशुदा भी हैं, छोटी उम्र में शादी हो गई, बच्चे भी हैं, कर ही नहीं रहे ड्रामे ही कर रही थी अभी फिल्म की तरफ, अभी माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनी, मैंने खुद देखी है जाके पाकिस्तानी फिल्म और बड़ी अच्छी मूवीज आई है हमारे, और रिसेंटली अब जो इंडियन मूवीज है उन पे भी बैन लगा दिया गया है, उनकी नुमाइश के हवाले से मुझे चंद दिनों पहले ये काम थी कि जी जो इंडियन फिल्में हैं उनकी नुमाइश मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे अफवाहें उड़ती रहती है और जारी है, कोई मसला नहीं है। और देखें इंडियन ड्रामे आए या इंडियन फिल्में आए, हमारा मैार अपनी जगह है, हम किसी की जगह नहीं ले रहे हैं, कोई हमारी जगह नहीं ले सकता। ड्रामे भी आए, चैनल्स इतने चैनल्स आए, इंडियन चैनल्स भी आए, सारे चैनल्स आए, सब पे ड्रामे भी चले, सब कुछ चले, तो इस पे कहीं हमारे पाकिस्तानी ड्रामों पे कोई असर नहीं पड़ा, हमारे पाकिस्तानी चैनल्स पे कोई असर नहीं पड़ा। वो बहुत ज्यादा वो भी आए, उनकी डबिंग भी मतलब उनकी बिल्कुल छाए हुए देख रहे हैं लोग जो हमें पसंद करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब कोई एक नई चीज मार्केट में आती है तो बंदा एकदम से उसकी आंखें खुलती है, ये क्या है, मैं देखूं कि ये है क्या, वो हर बंदा उसको स्विच कर रहा होता है ना, हर बंदा देख रहा होता है, फिर जब वो देख लेता है दो चार आठ दस दफा देखता है तो फिर उसे पता चलता है अरे ये इसमें तो ये खामी है। जब एक चीज नई मार्केट में आती है कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो या कोई और चीज हो, तो वो उसको सब देखने के लिए उसको जरूर देखेंगे, अरे कोई नया चैनल आया चैनल उसको जरूर देखेंगे इसमें आता क्या है, है ना, जब वो देख लेंगे, जब हमारे कल्चर में नहीं है, वो हमारे तरीके के नहीं है, हमारी तरह नहीं है, उनकी स्टोरीज हमारी नहीं है, सही, तो वो हम गलत, और फिर वो हमारे जो हमारे कोई वाली बात है ना कि हर बंदे को पैसा कमाना है, मैं हूँ आप हूँ वो चैनल हो सबको पैसा कमाना है, जब उनको पैसा कमाना है तो वो तो हर बुरी अच्छी चीज दिखाएंगे, उन्हें तो उस चीज से पैसे कमाना है, तो यहाँ आ जाती है बात पैसे की, जब आप हर तरीके से जब आप पैसा कमा रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं होता क्या, उनको नहीं चाहिए कि वो कुछ इंप्लीमेंट करें, कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन पैदा करें, कुछ इस तरह की नहीं है, नहीं ये बात तो है कि आप सेंसर के किए बगैर उसको नहीं दिखा सकते, जो डायलॉग्स हैं वो आपको सेंसर करने पड़ते हैं, सीन आपको सेंसर करने पड़ते हैं, जो हमारी पाकिस्तानी रूल्स हैं, कुछ भी चीज तो वैसे ही है कि हमारी पाकिस्तानी कौन कुछ भी चीज होती है तो कहते हैं लड़की वैसे जाली की देखती है, ये बटन जाली की तो उसको तो ये तो खैर हमारी अपनी नेचर है कि हम किस तरह किसको किस तरह लेते हैं, मगर ये कि मैं नहीं समझती कि हमें इनसे खौफजदा होना चाहिए या डरना चाहिए, ठीक है नई चीज आती है हर बंदा उसके पीछे जाता है, उसको अप्रोच भी दी जाती है, उसको बढ़ावा भी दिया जाता है, उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, मगर कुछ ही दिनों में पता चल जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बिल्कुल सब हो जाता है, तो हमें इन सब चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं कि अब टर्किश आ गए तो अब इंडियन आ गए तो अब ईरानी आ गए तो अब अरबी आ गए, ऐसा कोई मसला नहीं है,
हमारी अपनी एक वर्क है, हमारी एक अपनी एक अप्रोच है, एक अपना एक टैलेंट है जो हम कर रहे हैं, और जो हमारा एक अपना मुआशरा है उसके अंदर रहते हुए हम काम करते हैं, अपने उसूलों के अंदर रहते हुए काम करते हैं, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें तो उल्टा सीखने का मौका मिलता है। सीखने के भी यहाँ पर मौके नहीं है। एक है नापा शायद ना, वहाँ पर सिखाया वगैरह जाता है, तो क्या आप समझती हैं यहाँ पे ऐसी अकेडमी होनी चाहिए जहाँ पे जो सीनियर्स हैं आप जिन्होंने इतने साल काम किया है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो आप सीखते हो वो आप ऐसे नहीं सीख पाते। बिल्कुल, तो वो अपना एक्सपीरियंस आके उनके साथ शेयर करें, जो न्यू टैलेंट आ रहा है उनको भी आगे मौका मिले। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और ड्रामा हमारे मुल्क में माशाल्लाह ड्रामा इतना पावरफुल है और हम ड्रामे में इतने अच्छे हैं, इतने आगे हैं, तो हमें ड्रामा ज़रूर सीखना चाहिए। बल्कि अगर हम पढ़ के आए, सीख के आए, तो हमें इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, और ना आर्टिस्टों को करनी पड़ेगी ना डायरेक्टरों को करनी पड़ेगी। क्योंकि हर जगह देखा जा रहा होता है आपका कहावा एक एक लफ्ज, आपने अगर उसे सही से प्रोनाउंस नहीं किया तो वो लोग ले रहे हैं, तो इसकी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। लोग तो समझते हैं कुछ नहीं होता, एक्टिंग बस गए आपने पेपर उठाया और आपने जी दो चार डायलॉग मार दिया, एक्सप्रेशन काउंट नहीं कर रहे, वो आपकी मतलब जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो काउंट नहीं कर रहे, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि आप समझा मैंने देखा इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप किसी लियाई के इलाके में रह रहे हो, किसी ऐसे इलाके में रह रहे हो, या अगर आप डिफेंस में कोई पोर्ट्रेट कर रहे हो, तो आपका लहजा भी ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका कैरेक्टर है उसमें आप आने चाहिए। अगर कोई गरीब एक कैरेक्टर है तो उसका उठना बैठना चलना फिरना पहनना, इस तरह नहीं कि भाई वो रहती तो वहाँ है मिडिल क्लास फैमिली की और वो बनी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तरीका। और अपने आप को मैं कहती हूँ कि एक्टर ही वही है जो अपने आप को मतलब मार के कैरेक्टर में घुस जाए, मेरी क्या लाइफ है, मैं कैसे रहती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, ये मुझे है ना, ये होता है किसी को कैरेक्टर दो और बोला आपने ऐसा करना, तो उनको इश्यूज होते हैं। नहीं यार, मैं छोटी नहीं बांधूंगी, मैं ये मैले से कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं जमीन पे नहीं बैठूंगी, मैं वो कोई कैरेक्टर नहीं जा रही हूँ, अपने आप को सोच रही थी। जैसे अगर मैं सना पर्सन हूँ तो मैं सना पर्सन थी भाई, मैं मुझे ये जो तायरा था नजमा का वटैगर जो भी कैरेक्टर मिला है मैं वो नहीं करूँ, तो फिर वो एक्टिव नहीं हुआ ना। तो एक्टर को मतलब कितना कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, ये चीज देखनी चाहिए ना। बिल्कुल, आपको अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करना है। अगर आपने किसी पंजाबी का किसी बंगाली का कैरेक्टर किया तो आपको वो भी प्रोनाउंसिएशन सीखनी पड़ेगी। कोई ऐसा कैरेक्टर किया जो बड़ा मुश्किल हो, जिसके लिए आपने जो है जाके देखा हो, लोगों को ऑब्जर्व किया हो। हाँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि बिहारी लैंग्वेज, बिहार एक मैंने टेलीफिल्म की थी जिसमें मैं बिहारन बन गई थी ना, जो बनारसी बिहारी जो होते हैं वो बोलते हैं, वो बकायदा मैं अपने डायरेक्टर से पहले जो डायरेक्टर थी हमारी उनको पहले वो बोलती थी, वो बताती थी कि ऐसे 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 बोलना है, और फिर मैं उनको बोल के सुनाती थी कि मैं ये सही बोल रही हूँ ना, ये सही कुछ लिखा हुआ था, मगर नहीं वो उर्दू में ही लिखा हुआ था, उसको बिहारी एक्सेंट में करना होता था, हमें करना होता था। अपने तरीके कार के कैसे बोलती एक्सप्रेशंस, बिल्कुल वो एक्सप्रेशन तो चलो आपको आ जाते हैं, मगर आपकी लैंग्वेज वही होनी चाहिए, आपका टोन वही होना चाहिए, जैसे इस तरीके से बोलते तो फिर आपका भी वो जो लोग जो है इस तरह के ना, वो भी वो आपकी खामियां निकालते हैं, ये तो इस तरह बोल रही है, ये तो हमारे ये लफ्ज तो है ही नहीं, हम तो इस तरह बोलते हैं, तो वो पूरा कॉपी करना पड़ता है, तो वो मैंने किया था। और एक्टिंग आसान नहीं है जी, क्योंकि वो लोग जो ये एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग में आना चाहते हैं, उनके मतलब उनके पास इतना टैलेंट होना चाहिए और उनको अपने मिजाज में भी इतना एतदाल लाना चाहिए कि वो हर चीज में जो है ना वो जम हो जाए। कि अगर जैसे कि आपने ड्रेसिंग की बात की, कोई होता है जी ऐसे बाल नहीं बनाने हैं, ये ड्रेस नहीं पहनना, तो अपने आप को इतना चेंज करना पड़ता है कैरेक्टर के हिसाब से। यानी अगर बेगाली का कैरेक्टर मिला है फॉर एग्जाम्पल, तो वो बिल्कुल उसी की तरह बनना पड़ेगा। बिल्कुल, तो कोई रहाना कोई ऐसा कैरेक्टर जैसे करने की आपको अभी ख्वाहिश हो कि काश मुझे वो कैरेक्टर मिले और मैं वो करूँ? बहुत सारे कैरेक्टर हैं मेरे जहन में। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर जिसको करने की आपको तमन्ना हो? एक तो मैंने माजूरी का कैरेक्टर कभी नहीं किया, अल्लाह माफ करे मुझे, कोई मतलब ये नहीं, मगर मैं उनको फील करती हूँ कि किस तरह बेचारे जो माजूर हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते, या वो नहीं उनकी वो ख्वाहिशात पूरी होती, तो किस तरह अपने आप को क्या उनको अजियत होती होगी, कितना फीलिंग्स उनके अंदर होंगी। वो ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि मैं उन्हें देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि वाकई ये किस तरह अपने आप को जिंदा जिंदा मैनेज कर रहे हैं और जिंदगी से लड़ रहे हैं। शुक्र नहीं अदा करते, उनमें से एक नियमत ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत है, किसी का मतलब मोहताज नहीं बनाया था, लेकिन उसके बावजूद हम मोहताज होते हैं, ये चीज़ सलाह देते तो ये चीज़ सलाह, तो उन लोगों से हमें शायद सबक
वो मैं करना चाहती हूँ ताकि मुझे लगे अपनी फीलिंग्स को मैं दूसरों को बता सके कि देखिए अगर हमें अल्लाह मैंने हर चीज़ से नवाजा हुआ है फिर भी हम शिकवे शिकायतें करते हैं, मगर इन लोगों को भी आप देखें कि कितने ये लोग इसके बावजूद भी जो कुछ भी नहीं कर सकते और उसके बावजूद वो खुश है अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो ये या जिनके पास कोई नेमत से है वो माजूर है, अंधे हैं या बहरे हैं या अल्लाह ना करे हाथ नहीं है पैर नहीं है, तो वो इस तरह का अगर कोई कैरेक्टर करना है या बताना है तो वो फीलिंग्स के साथ मुझे अभी कोई ऐसे चैलेंजिंग कैरेक्टर नहीं मिले जो मैं ये करना चाहती हूँ। प्रोडक्शन हाउसेस देख रहे हो यकीनन यहां पर कैरेक्टर नहीं, क्योंकि आपकी एक्टिंग वाकई रियल है। आपसे मिलने से पहले मुझे भी ऐसा था कि परी को गुस्से वाली होंगी और यूं एक आईब्रो चढ़ी होगी और हाथी पर जल्दी जल्दी करनी, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपके साथ हुई और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने की और बहुत कुछ आपके आपके बारे में जानने को मिला, बहुत मजा आया। तो रेहाना हम आपको दोबारा भी दावा देंगे, अभी आपने अपना कीमती टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। लाइव टीवी के बारे में आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर, क्योंकि नया चैनल है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप लोगों की काविश है कि आगे सबसे बेहतर हमारे चैनल की जो चीज़ें हमें बताना चाहूँगी कि हमारा वेब चैनल ऐसा है, एक तो चैनल की दौड़ से बाहर है कि जो एक चैनल में एक रेटिंग का ऐसा न्यूज़ चैनल में रेटिंग का चक्कर होता है कि जी ये खबर पहले हम ब्रेक कर दें बगैर तस्दीक, तो एक तो उससे बाहर है, दूसरा इसका ये है कि आप आजकल जो यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में लड़के लड़कियाँ पढ़े हैं उस समय टाइम नहीं होता, वो नेट पे बिजी होते हैं वेब पे बिजी होते हैं, ये ऐसा चैनल है आप बिजी हो थोड़े टायर्ड हो गए आपने वेब पे ही चैनल लगाया और आपने आराम से एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट आप मुस्तफी हो सही। हाँ ये बहुत अच्छी, मैं यही देख रही हूँ कि पाकिस्तान में हमारे एक लोड शेडिंग के चक्कर से बिल्कुल कि लोड शेडिंग नहीं है चैनल आप वेब से नेट से सर्च कर लोगे आउट ऑफ कंट्री भी जा रहा है लोग देख रहे हैं और जिस वक्त चाहे जब आपको समय लगता है आप लगा ये बहुत अच्छी चीज है कि आप अपना पसंद का ड्रामा या जो भी आपको देखना है आप लैब पे बैठ के आराम से देख लें और इस तरह का ये बहुत अच्छा आप लोगों ने ये किया है और मेरी अच्छा, और हमारा कंटेंट किसी से कॉपी नहीं है, कुछ चैनल से ऐसा होता है सारे चैनल से तकरीबन ऐसा होता है आप किसी और चैनल का नाम नहीं ले सकते और आप बात नहीं कर सकते और कुछ स्पेसिफिक ही बात कर सकते हो, बाउंडिंग होती है ना कि आप ये नहीं बोल सकते ये बोलो ये नहीं, हमारे चैनल की बात ये कि आपके जो दिल में आया आप वो बोलें, कोई बनावट नहीं है, कोई ये नहीं है कि हमने इसको स्क्रिप्टिंग किया हो, कोई ऐसा ऐसा नहीं है, जो आप दिल में आया वो इजीली बोल सकते हो, चैनल का नाम ले सकते हो, ये एक इसकी एक क्वालिटी जिसको मैं खुद भी हेड चौक के लिए करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं कहती हूँ कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है आपका चैनल हो या कोई भी चैनल हो या कोई भी इदारा हो तो उसकी मैं कहती हूँ कि उसको अप्रिशिएट बहुत करना चाहिए और ये नाइंसाफी होगी किसी के लिए बिल्कुल बिल्कुल, और आप एक अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हो और आपका चैनल इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं और इस तरह की उनकी काविश है तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं और इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे आप लोग आपका चैनल और हमारी जब भी खिदमत की आपको ज़रूरत होगी हम हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके, व्यूअर्स आपने रेहाना के साथ हमारी चिटचैट देखी, यकीनन एंजॉय की होगी, तो कल फिर हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ कुछ नए सेगमेंट के साथ कुछ नया करने के लिए, तो देखा मत भूलिएगा लाइव की सभा। और अमेरिका से इंटरनल जो लोग
या सुनी इत्तेहाद के खिलाफ काम करते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं, हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। हुसैन किसी एक फिरके का नाम नहीं है, ना वो एक फूल एक फिरके के लिए कुर्बानी है, उम्मत मुसलमान के लिए कुर्बानी नहीं है। कितने अहले सुन्नत उलमा उठे के हजरत उमर की शहादत या तो मुहर्रम नहीं है, या आप क्या फसाद फैला रहे हो? जब तक असबाब खत्म नहीं होंगे ये फसाद फांसियों से भी खत्म नहीं होगा। उम्र से मुतालबा करते हैं कि जितनी दहशत गर्दी की कर ये दहशत गर्दी खत्म होनी चाहिए, इनको सही एहतिकात होनी चाहिए तो सजा मिलनी चाहिए।